खबर है वाराणसी से, जहां एक बार फिर वाराणसी ग्रामीण पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। आपको बता दें, 10 सितंबर 2021 को थाना जनसा जनपद वाराणसी अंतर्गत नैपुरा बंद पड़ी डेयरी फार्म के अंदर अज्ञात व्यक्ति ने मनोज यादव की हत्या कर दी थी। उक्त संबंध में हत्या का खुलासा करके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, उक्त घटना बाबत थाना जनसा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना का अनावरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण अमित वर्मा द्वारा टीम गठित कर घटना के खुलासे के लिए निर्देशित किया गया था, जहां प्रारंभ में मृतक की मृत्यु किसी धारदार हथियार से बताई जा रही थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतक की मृत्यु सिर में गोली लगने से होना पाया गया है। वाराणसी ग्रामीण पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करने हेतु घटना में शामिल दो अभियुक्तों शुभम मिश्रा व अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा आज वाराणसी ग्रामीण पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण अमित वर्मा द्वारा किया गया। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि 10 तारीख को जनसा थाने के अंतर्गत मनोज यादव नाम व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आज इसमें इसका सफल अनावरण हुआ है। घटना में प्रयुक्त जो असला है उसके साथ साथ एक 32 की पिस्टल भी बरामद हुई है। इसमें पूरा प्रकरण ये रहा कि ब्रजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति थे, जिनके यहाँ एक लड़का 7-8 साल से रहता था मनोज यादव, उनके साथ उन्हीं के ही परिवार का एक लड़का शुभम मिश्रा भी रहता था। ये लोग उनके एस्कॉर्ट चलते थे, इनके पास अवैध असले भी रहते थे। ब्रजेश मिश्रा के ऊपर जो है कुछ पैसा जो है इसका मनोज यादव का भी निकल रहा था, जो इसको मनोज यादव बार बार जो है पैसा मांगा करता था। ब्रजेश मिश्रा जो थे उनको ये चीज़ बार बार पैसा मांगने की जो है चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, थोड़ा लगा प्रेशर बना रहा था उनके ऊपर। तो उसी में ही इनके द्वारा ये साजिश रची गई कि इस लड़के की हत्या कर दी जाए, तो हत्या करने के बाद इसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी में ये एक दिन पहले ही अपना घर से निकल गए पूरी साजिश बना के, और शुभम मिश्रा को इन्होंने मोटिवेट किया, जो लड़का था साथ में, जो इनकी मौसी का लड़का है, जो उस समय मृतक के साथ था, उसी के साथ रहता था। ये गांव से बाहर एक छोटा सा मकान है ब्रजेश मिश्रा का, उसी में दोनों लड़के रहा करते थे। इसको मोटिवेट करके और लगातार सुबह से ही फोन से उसके संपर्क में थे शुभम मिश्रा के, ये उसको मोटिवेट करते रहे। और उसके द्वारा जो है ये, क्योंकि दोनों आपस में सहयोगी थे, तो वो लड़का समझ भी नहीं पाया, और अचानक इसने जो है उसको एक फायर बम से उसको इंजर्ट कर गोली मार के उसके हत्या कर दी। पहले इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये FIR में लिखाया कि किसी धारदार वस्तु से जो है इसको अज्ञात व्यक्ति जो है मनोज यादव की हत्या करके चला गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फायर आर्म इंजरी से मृत्यु आई, स्कल के अंदर भी, क्योंकि एग्जिट वुंड नहीं था उसमें, स्कल के अंदर ही गोली फंसी हुई थी। तो उसमें वो जब बरामद की हुई, तो पुलिस ने दूसरे तरीके से भी उसमें तहकीकात करना शुरू किया। इस लड़के ने जो है वो शुभम मिश्रा ने घटनास्थल को भी, जो सीनियर क्राइम था उसको भी इसने चेंज कर दिया। इसने मौके पर जो फायर मार्क यूज़ हुआ था, साथ में गोलियाँ हुई थी, उसको इसने एक जो बुलेट निकली हुई थी उसको इसने टॉयलेट की उसमें गटर में डाल दिया। साथ ही साथ एक अपनी 32 की पिस्टल और जो 315 का तमंचा था उसको अपने सहयोगी अशोक पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो भी इनके ही जानकार थे, जाके उनके घर में उसको छिपा दिया। इसकी निशानदेही पर उनकी भी उस चीज़ की भी हाथों की बरामद की हुई है, और इसका घटना का सफल अनावरण। सर, अभियुक्तों की गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? अभियुक्तों की उसी क्षेत्र से हुई है, और उनकी गिरफ्तारी हुई है, और घटना का सफल अनावरण। क्या सर, इन अभियुक्तों के ऊपर पूर्व इतिहास भी है सर? वो चीज़ें देखी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इस घटना में इनका पूरा ये रोल। तो भाई, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।